झांसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में हिंदू जागरण मंच, राष्ट्रभक्त संगठन व अन्य हिंदूवादी संगठनों द्वारा वाहन रैली के माध्यम से भगवा जागरण यात्रा निकाली गई। आज झांसी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वावधान में हिंदू जागरण मंच, राष्ट्रभक्त संगठन एवं अन्य हिंदूवादी संगठनों के साथ विशाल वाहन रैली के रूप में भगवा जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। यह भगवा जागरण यात्रा मुक्ता काशी मंच से प्रारंभ होकर मिनर्वा चौराहा होते हुए कचहरी चौराहा, इलाइट चौराहा, चित्रा चौराहा, बीकेडी चौराहा से जीवन शाह तिराहा होते हुए मुक्ता काशी मंच पर पहुंचकर संपन्न हुई, जहां संघ के झांसी मंडल के विभाग प्रचारक अजय ने रैली को संबोधित किया। जागरण यात्रा के दौरान सभी ने जय श्री राम के नारे लगाए। भगवा जागरण यात्रा में हजारों की संख्या में संगठन के कार्यकर्ताओं व नगरवासियों के साथ भाजपा सदर विधायक रवि शर्मा, भाजपा के जिला अध्यक्ष मुकेश मिश्रा, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप सरावगी, राष्ट्रभक्त संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष अंचल अर्जरिया, आरएसएस के विभाग प्रचार प्रमुख जयपाल सिंह, राजू बुकसेलर, पूर्व उपसभापति अनिल सोनी सहित अन्य गणमान्य नागरिकों ने हिस्सा लिया। बाइक रैली श्री राम मंदिर निर्माण के संबंध में, उस मंदिर निर्माण से राष्ट्र निर्माण कैसे हो, मंदिर के माध्यम से राष्ट्र निर्माण कैसे हो, इस संबंध में आज यह बाइक रैली का आयोजन, भगवा जागरण यात्रा का आयोजन किया गया। इसमें संपूर्ण पूरे झांसी के अंदर इस बाइक रैली ने भ्रमण किया, जिसमें करीब 1000 से अधिक बाइक सवार बाइकों के साथ में भगवा ध्वज लेकर के चल रहे थे। सनातन संस्कृति के जागरण हेतु और राम मंदिर निर्माण हेतु प्रत्येक हिंदू की एक ईंट कम से कम उसमें लगे, 40 दिन का अभियान चलने वाला है। उसमें सभी हिंदू संगठनों ने बढ़ चढ़ कर आज भाग लिया है और आम जनमानस इसी तरह से जिस तरह से आज आया है, कल एक कार्यक्रम में 3 बजे से पदयात्रा है हमारी लक्ष्मी व्यायाम मंदिर से, उसी तरह से आए और अपना अपना सहयोग इस राम मंदिर निर्माण में दें। जो कुछ भी उसके मन में श्रद्धा है वह अर्पित करें, क्योंकि यह राम मंदिर 500 वर्ष की तपस्या के बाद में बनने जा रहा है। अतः यह राम मंदिर निश्चित रूप से हिंदू समाज के लिए, सनातन संस्कृति के लिए संपूर्ण विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ होने जा रहा है। झांसी से राहुल उपाध्याय की रिपोर्ट। बुंदेलखंड आए और पांडे जी का रसगुल्ला ना खा पाए तो भैया खाक बुंदेलखंड आए, जो सिर्फ बरुआ सागर में नहीं पूरे बुंदेलखंड में फेमस है भैया। तो अब की बार जरूर आइयो पांडे मिष्ठान भंडार, बस स्टैंड के पास, बरुआ सागर झांसी। कृषि के क्षेत्र में सवारे अपना भविष्य, आज ही एडमिशन लें। जिले का सबसे उत्तम कृषि महाविद्यालय श्याम राघवेंद्र कृषि महाविद्यालय व डिग्री कॉलेज, बीएससी कृषि बीए, बीएड बीकॉम, बीएससी बायोमैथ, ग्राम धवाकर, मऊरानीपुर, झांसी। काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी मऊरानीपुर में ठहरने का एक सर्वोत्तम स्थान, फुल एसी रेस्ट हाउस, शादी विवाह, बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी व अन्य शुभ अवसरों के लिए संपर्क करें काव्या स्मार्ट रेसिडेंसी, पेट्रोल पंप के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। ऐसा स्वाद और कहाँ जनाब, अगर आप भी हैं स्वाद के शौकीन तो आइए मदर्स फूड, मऊरानीपुर का एकमात्र शानदार रेस्टोरेंट, जहाँ कम दाम में मिलता है 5 स्टार होटल वाला स्वाद। तो एक बार जरूर आए और ले बेहतरीन खाने का आनंद, शुद्धता और स्वच्छता का प्रतीक मदर्स फूड, मोती होटल के पास, स्टेशन रोड, मऊरानीपुर। यार जो सुसरता चिरांद फैला रहे हो तुम, और सर जी चिरांद नहीं फैला रहे, वॉल पुट्टी कर रहे। अरे तुम भुइया कर रहे हो सुसर, तुम कान खोल के सुने तो कौन ऐसी बेटी पुट्टी नहीं चाहिए, पिटे पे चाहिए है भैया घरों का वॉल पुट्टी और पीओपी, जो रखे आपके घर को सालों साल नया। I like it.